टीमें बढ़ चुकी है, पांच पांच आ गए, चार इंक्लूडिंग यू, एंड सो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द सीजन? भाई आप बताओ। सीजन टू तो इस बार काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, काफी नए प्लेयर्स आए जो ऑलरेडी कम्पीट करते थे दूसरे लास्ट टाइम। एंटरटेनमेंट ज्यादा थे इस बार, आपको नेक टू नेक कॉम्पिटिशन और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन देखने को। हम ये लोग तो मुझे बोलते हैं कि लास्ट सीजन यू नो बहुत ज्यादा गेमिंग पे फोकस हो गया था, लेकिन इस साल में मुझे और हर्ष को इस शो में लाया इसलिए गए कि हम थोड़ा एंटरटेनमेंट लाए। ऐसा नहीं है कि स्काउट कैरी और ये लोग एंटरटेनमेंट नहीं लाते, हम लोग बस कुछ ज्यादा ही, हम लोग क्या गेमिंग में ध्यान नहीं देते, तो हमें क्यों ऐसा यू नो साइड लेके आते। बट अभी स्काउट मेरे को बोल रहा है कि इसमें भी गेमिंग के ज्यादा बहुत नेक टू नेक ऐसा खतरनाक कंटेस्टेंट्स आ गए, मतलब यही डिफरेंस यही है एक्चुअली। पिछली बार क्या था कि टीम्स जो थी बहुत अनबैलेंस थी, कुछ टीम बहुत ही स्ट्रांग थी, कुछ नहीं थी इतनी स्ट्रांग। इस बार जेन्युइनली पांचों टीम्स बहुत स्ट्रांग है एंड सबका इक्वल चांस है, क्योंकि सब में अच्छे गेमर्स भी है, एंटरटेनर्स भी है, ज्यादा गेमर्स है। मैं बता रहा हूँ जो जनता जो नहीं जानती है शो के बारे में, आपको एक आइडिया देता हूँ मैं। ये ना आज के जनरेशन का एक रियलिटी शो है जो आज के बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, ठीक है? तो मतलब काफी सारे रियलिटी शोज होते हैं दूसरे, बॉस हो गया या ओडीज हो गया, वो हमारे 90s के बच्चों ने, हम लोगों ने देखा। लेकिन जो ये प्लेग्राउंड एंड प्लेग्राउंड की खासियत क्या है, ये जो यंग बच्चों को अपील कर रहा है ना कि अच्छा आप गेम खेल के अंदर यू नो ऐसा कॉम्पिटिशन में आ सकते हो, एंड उसमें भी आपको इतना माल मसाला मिलता है कि जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ेगा, मैं कहता हूँ 3-4 साल बाद आप ये इंटरव्यू याद रखना, प्लेग्राउंड इतना मेन स्ट्रीम हो जाएगा कि मतलब उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जाएगी। आशीष, सीजन वन कितना आपने फॉलो किया है और किस तरह की तैयारी आपने की है, और आपकी जो कल ऑक्शन हुआ उसमें आपने प्लेयर्स बाई किए, उसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहोगे? मॉडल लिस्ट है और कैरी के बहुत मजा आया। कैरी मेरे को कैरी से बहुत डर लगता है प्ले ग्राउंड के ट्राई आउट से मेरे पास, क्योंकि कैरी बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रिक्ट है। एंड कल जो हुआ, कल तो ऑक्शन में हम लोगों ने आप सब मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार प्लीज आप कल का ऑप्शन देखो, इरिस्पेक्टिव आप मुझे नहीं जानते या किसी और को नहीं जानते, एज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव देखो, आपको इतना मजा आएगा। जो वहां पे चीजें चल रही थी हमारे बीच में, जो मस्ती मजाक चल रहा था, ये हम लोग दूर से हंस रहे हैं, एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स, बोली लग रही है, एक टाइम पे तो सब्जी मंडी बन गया था भाई, 10 लाख 11 लाख 12 लाख ऐसा हम लोग प्रिपेयर कुछ और तरीके से गए थे। पॉलिटिक्स हुई है कल, छोटी छोटी बोली इतनी खतरनाक होती है, हमें पता नहीं हो चुकी है, स्ट्रेटेजी बन जाता है। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन कैसा गया और जो प्लेयर्स आपने लिए क्या लग रहा है सबसे टफ कौन होने वाला है? सबसे टफ मैंने बोला ना, वैसे इस बार ऑलमोस्ट सारी टीम काफी स्ट्रांग है, जैसे स्काउट लास्ट सीजन भी इस सीजन भी, उसका सेट होता है, उसको पता है कि कौन कितना अच्छा गेमर है, कौन कितना सही टीम में खेलने वाला है, तो उसको पता है मेरे को यही पिक करना है, वो एंड तक खेलेगा ही नहीं, मतलब चुपचाप बैठा रहेगा और एंड में आके अपनी टीम बना लेगा। तो उसने एंड में टीम बनाई और प्रोबेबली सबसे स्ट्रांग टीम बना ली। ऐसे ही आशीष भाई की टीम भी मुझे पर्सनली लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे तो लगता है मेरी टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे कैरी की टीम भी लगता है अच्छी है काफी, थोड़ी सी हर्ष भाई की टीम पावर फीनिक्स है, हाँ तो उनका थोड़ा लास्ट सीजन वाला है कुछ, आई थिंक वो इस सीजन भी कंटिन्यू होगा। हर्ष क्या उंगली करता रहता है, तो टीम पावरफुल हो तो भी हमें वीक लग रही है। गुड भी मतलब हो सकता है, गुड भी रॉन्ग, बट मतलब कहने के लिए कह रहे हैं ऑलमोस्ट सारी टीम्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो टीम मैंने बनाई है मुझे तो सही लगा था। आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार काफी सारे बदलाव होने वाले हैं गेमिंग को लेके भी, जो पिछले साल से डिफरेंट हो रही है, दो टीमें, क्या कुछ बदलाव देखने मिलेगा इस साल? क्या मेन तो है कि इस बार जो कंसिस्टेंट रहेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी की टीम में कोई वीक है तो भाई वो डोमिनेट हो जाएगा दूसरे टीम से, तो इस बार ऐसा है कि जो भी टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाली वही टीम जीतने वाली है, right. स्पेशली मेंटर्स, तो अभी हम लोगों को किसी को भी आइडिया नहीं है कि कौन टीम को किस तरीके से गाइड करेगा। बहुत बार होता है कि टीम खराब खेल रही होती है और मेंटर की गाइडेंस वो कम बैक कर देती है, ये चीज आप पहले वीक के बाद ही आप बोल सकते हैं, पहला भी पता एकदम फ्रेश, उसको आप जज नहीं कर सकते कौन कैसा खेल रहा है। आशीष, आपसे जानना चाहूंगा गेमिंग प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ, इट हैज बीन लाइक पूरा चेंज हो गया है, एक अलग लेवल पे चला गया है, गेमिंग से अवार्ड्स भी होने लगे, हाउ डू यू सी द गेमिंग प्लेटफॉर्म? ये अभी राइज ही होता रहेगा,
एंड मेरे हिसाब से जो इंडिया का सबसे बड़ा नेक्स्ट सुपरस्टार, जो बिलियनर या मिलियनर कहते हैं ना, अमीर एक न्यू जेन कंटेंट क्रिएटर, वो एक गेमर होएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हम लोग काफी साल से इग्नोर करते आए हैं, हमारे माँ बाप उसको बहुत हल्के में लेते हैं। एंड मैं कोई दूसरे प्रोफेशन को डिस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट काफी सालों से इसको बस एक ऐसा वीडियो गेम्स खेलना दिमाग सड़ जाता है का टैग मिलता है, जबकि ये भी एक स्पोर्ट्स है, इसमें भी स्ट्रैटेजी होती है, इसमें भी लास्ट मोमेंट आपको दिमाग लड़ाना रहता है। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बूम करने वाली है एंड ऑलरेडी कर रही है। यस, इंडिया के जो टॉप, आप कैरी के बाद जो टॉप यूट्यूबर्स देखेंगे, आप देखेंगे अभी सब पहले लिस्ट में भुवन था, मैं होता था, कॉमेडियंस होते थे, अभी वो पूरी लिस्ट बदल चुकी है। अभी ये तो देखो, ये रोस्ट भी करता है, ये गेम भी खेलता है, तो इसने अच्छा अपना क्या है, पांचों उंगलियां घीमे। बट और आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह गेमिंग प्लेटफॉर्म बन रहा है, प्ले ग्राउंड आया एंड यू हैव बीन इनटू द गेमिंग, जैसे इन्होंने कहा रोस्टिंग, आप रोस्टिंग से नहीं, यू हैव बीन प्योर इनटू द गेमिंग, तो प्ले ग्राउंड किस तरह हेल्प करेगा इंडिया को गेमिंग प्लेटफॉर्म को और राइज करने में? आई थिंक प्ले ग्राउंड सबसे पहले उन पेरेंट्स को सेटिस्फाई करवाया कि यार नहीं, बच्चे गेमिंग से कुछ कर सकते हैं। उनके दिमाग में कहना कि यार बच्चों गेमिंग मतलब क्या होता है, बेटे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, गेमिंग में कुछ रखा ही नहीं, एक टाइम के लिए अपने बच्चों को लोग स्पोर्ट्स खेलने में भेज देते हैं। अब ऐसा हो गया कि गेमिंग को वैसा बना दिया कि नहीं यार टैबू है, उसको क्या ही करना, बच्चों गेमिंग खेलने क्यों भेजते हैं। ये शो के थ्रू उन लोग कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं भाई गेमिंग का भी फ्यूचर है, गेमिंग भी मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है, आप अगर अच्छे गेम और आपका आपके अंदर अगर पैशन है तो उसको प्रोफेशन बना सकते हैं। बॉलीवुड किससे डेब्यू किया था? वो शक्ल शायद थोड़ी कैरी जैसी लगती है, बट मैं कैरी हूँ नहीं। कैरी ने बॉलीवुड डेब्यू करा है और हर्ष ने भी करा है। कैरी, हर्ष, प्राजक्ता, आशीष आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह लोगों को प्राजक्ता होगी, जैसे ये लोग का डेब्यू हो चुका है, पीपल आर लाइकिंग देम, पीपल वांट यू टू सी, तो अगर कुछ बताना, रोहित सर इज वेरी क्लोज टू यू, वी ऑल नो रोहित सर, और आपके रोहित सर की पिक्चरों में देखने मिलेगा। मैं रोहित सर से बात की है, हाल फिलहाल सर बोलते जिंजा, फिर देखेंगे बात करेंगे, तो अभी तो बात है वहीं तक पहुंची है, मे बी वन डे आपकी दुआ है वो तो पिक्चर में भी आ जाऊंगा, ये सिर्फ हम्बल बन रहे हैं। आपसे बिफोर एंडिंग ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, आप लोगों से जानना चाहूंगा, अपने टीम में कौन से एक प्लेयर है जिसको आप लुक फॉरवर्ड करते हो और दूसरे की टीम में स्ट्रांग हो सकते हो? यार हर टीम में एक प्रो प्लेयर है, yes. तो सारे प्रो से स्ट्रांग है। मेरे टीम में पर्सनली तो मेरा जो प्रॉब्लम है उसको ऑफिस साइड लगा, तो वो बाकी हर टीम का एक प्रो ऑटोमेटिकली बेस्ट प्लेयर रहता है, क्योंकि उनके टीम का प्रोफेशनल है जो पूरी टीम को होल्ड अप करने वाला है साथ में और खेलने वाले गेम। आशीष सर, मेरा एक बंदा है ईलाय, वो एमी अवार्ड नॉमिनेटेड बंदा है, वो मेरे को लगता है मेरा बहुत ऐसा सरप्राइज रहेगा, तो उसका मेरे को है। लाइक मेरे पास लास्ट सीजन का रेटेन ही है वंशज, आई थिंक वो प्रोबेबली गेमिंग के साथ साथ मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रैटेजी वगैरह में भी काफी सही है एंड उसको घर के अंदर पॉलिटिक्स भी खेलनी आती है, तो आई थिंक वो हमारी टीम के लिए काफी सही होगा। बट इस सीजन जैसा स्काउट ने बोला कि सबने एक प्रो प्लेयर लिया, तो हमारा वो है अक्षु इस बार, तो आई थिंक अगर गेमिंग की प्योरली गेमिंग की बात करूँ तो आई गेस अक्षु। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank you.